हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में नायलॉन 6-6 की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर और उसके फार्मूले के बारे में और किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन और उसकी फ्लो शीट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम इसकी रिएक्शन को डिस्कस करने भूल गए थे, इसमें हम आपको डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था आपको कि हेक्सा मेथिलीन, डाई एमीन और एडिपिक एसिड से हम नायलॉन 6-6 को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं एडिपिक एसिड की। एडिपिक एसिड को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम हेक्सीन को लेते हैं, हेक्सीन, और हेक्सीन की हम रिएक्शन कराते हैं एयर की प्रेजेंस में। तो हमारा HC6H11OH यानी कि साइक्लो हेक्सेनॉल और हमारा हेक्सोनोन बनता है C6H10O साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फिर से रिएक्शन कराते हैं एक्वस HNO3 के साथ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें फॉर्म होता है HOOCCH2O4COOH और ये हमारा क्या कहलाता है एडिपिक एसिड। इसके साथ में हमारा एक्स मोनोमर हमारे बनते हैं एक्स मॉलिक्यूल्स NO और वाई मॉलिक्यूल्स जो है वो N2O के साथ में रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन की। इसके लिए हम क्या करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCN एक्राइलोनाइट्राइल है हमारा ये H2 यानी हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करा जाती है लो प्रेशर पर। डीमेरिजेशन प्रोसेस होता है यहां पर और हमारा क्या फॉर्म होता है एडिपोनाइट्राइल NCCH2 का होल 4 CN। ये क्या हमारा बनता है यहां पर एडिपोनाइट्राइल। एडिपोनाइट्राइल कि हम फिर से हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हेक्सा मेथिलीन डायमीन फॉर्म होता है H2N CH2 6 NH2। ये क्या हमारा बन गया हेक्सा मेथिलीन डायमीन। अब हम बात करेंगे नायलॉन 6-6 को बनाने, यहां पे क्या होगा हमारा एडिपिक एसिड और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में एडिपिक एसिड के साथ हम एसिटिक एसिड को ऐड कर देते हैं। तो एन मोनोमर्स जो हैं वो हमारे किसके रहेंगे एडिपिक एसिड और एसिटिक एसिड के। COOH यहां पे क्या हो गया हमारा एडिपिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड और एन मोनोमर हमारे किसके होंगे हेक्सामेथिलीन डायमीन के H2N CH2 होल 6 NH2 हेक्सामेथिलीन डायमीन। हाई प्रेशर पर हम रिएक्शन कराते हैं लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें फॉर्म होता है नायलॉन 6-6 CH2 होल 4 डबल बॉन्ड O CNH CH2 होल 6 NH एक्स मोनोमर नायलॉन 6-6। नायलॉन 6-6 को हम पॉली हेक्सामेथिलीन
एडिपीमाइड भी कहते हैं। तो ये थी इसकी केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर मैंने फ्लोशीट बना रखी है। सबसे पहले ये हमारा जो है एक मिक्सिंग टैंक है। जो जैकेटेड है और इसमें स्टीम हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। रॉ मटेरियल में हमें एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन, डाइएमीन और एसिटिक एसिड, इन तीनों को ही हम क्या करते हैं, ये जो मिक्सिंग टैंक हमारा स्टारर टाइप मिक्सिंग टैंक, इसमें ले जाते हैं और इसकी मिक्सिंग करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 170 से 190 डिग्री हम टेम्परेचर रखते हैं और यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमारा 1.7 मेगा पास्कल इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नायलॉन साल्ट, नायलॉन साल्ट मिलता है जिसको हम नेक्स्ट वेसल में लेके जाते हैं और इसकी कंसंट्रेशन क्या करते हैं, यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। ये इसमें हीटिंग कॉइल्स लगी हुई हैं और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमारा। यहाँ से हमारा H2O क्या होगा, वो रिमूव हो जाता है बॉइल्ड मेथेनॉल जो इसमें रहता है प्रेजेंट, उसको हम क्या करते हैं, एग्जस्ट कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ से लगभग 60% एक्वस सॉल्यूशन जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 9000 से हमारा कितना होता है 15000, इसको हम ले जाते हैं डोथर्न रिएक्टर में, जहाँ फिर से प्रेशर जो है वो 1.7 मेगा पास्कल मेंटेन करते हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या है, स्टायरर लगा हुआ है जो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉली कंडेंसेशन होगा और नायलॉन फॉर्म होगी, ठीक है। नायलॉन हमारी कैसी होगी, यहाँ पर मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हम इसको कास्टिंग रोलर्स के ऊपर से पास कराते हैं जिसके अंदर हमारा क्या होगा, H2O जो इसको क्या करेगा, चिल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में इसको ले जाते हैं चॉपर, यहाँ फिर हम एक्सट्रूडर का यूज करेंगे, इसको चिप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे चॉपर से, या फिर हम एक्सट्रूडर की सहायता से क्या करेंगे, इसको पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, नायलॉन 66 जिसको हम क्या करेंगे, पैकेजिंग यूनिट में भेज देंगे पैकेजिंग के लिए। अगर हमें इसकी थ्रेड्स बनाने हैं या फिर फिलामेंट बनानी है तो हम क्या करेंगे, इस रेजिन को वापस सॉरी इसको आगे ले जाएंगे। यहां पर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन में ले आते हैं मेल्ट स्पिनिंग। मेल्ट स्पिनिंग में हमारा क्या है, यहां पर मेल्ट नायलॉन होगा, नाइट्रोजन हाई प्रेशर के साथ हम इसको क्या करेंगे, प्रेस कर रहे होंगे, डोथर्म यहां पर रिएक्शन हो रही होगी, यहां पर हमारा फिल्टर लगा होगा। ये हमारा क्या है, जैकेटेड टाइप मेल्टिंग टैंक। यहां से क्या है, हम नायलॉन 66 को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट कराने के बाद में मेल्ट स्पिनिंग जो मशीन है हमारी उसमें पास कराते हैं। यहां पर हमारा क्या लगा होगा, स्पिनरेट। स्पिनरेट से क्या होगा, जैसे ये मेल्ट मटेरियल हमारा स्पिनरेट से पास होगा तो क्या होगा, ये थ्रेड्स के रूप में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टीम कंडीशनिंग करेंगे इसकी, और उसके बाद कोल्ड ड्राइंग रोलर से इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद नेक्स्ट हमारा रोलर से पास कराएंगे, जिसे हम स्ट्रेचिंग रोलर कहते हैं। स्ट्रेचिंग रोलर से हम इसकी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, और यहाँ से हमारी क्या होंगी, जो फिलामेंट्स होंगी उन फिलामेंट्स या थ्रेड्स को हम पास कर देते हैं या बाइंड अप कर देते हैं बॉबिन्स के ऊपर, और इन बॉबिन्स को हम क्या करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है हमारी उनके लिए शिफ्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस नायलॉन 66 के लिए। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन 66। नायलॉन 66 की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.14 होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 90 मेगापास्कल, हार्डनेस M90 होती है। इसके साथ ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नायलॉन 66 का 255 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमारा। TG यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 120 केवी पर एमएम होती है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। नायलॉन 66 जो है वो हमारा स्विचेस बनाने के लिए या बैटरीज केसेस स्विंग मशीन क्लॉथ्स फ्यूल सिस्टम प्रिंटिंग फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा नायलॉन 66 यूज किया जाता है।